हेलो फ्रेंड्स, तो आपने मटर के वड़े तो बहुत खाए होंगे, पर एक बार आप इस तरीके से बना के जरूर देखना। इसमें ना तो बेसन लगता है, ना तो कॉर्नफ्लोर और ना तो मैदा, और खाने में इतने कुरकुरे होते हैं कि घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो आप एक बार ये रेसिपी जरूर बना के देखिएगा। आप एक कप हरा मटर ले लीजिएगा जो सूखे हुए होते हैं, और उसे 6 से 7 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए पानी में सोख करके रख लीजिएगा। उसके बाद आप ले लें 2 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 1 से 2 हरी मिर्चें, नमक आपके स्वाद के अनुसार, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया और 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज। मटर को आप मिक्सर जार में डाल दें। इसमें याद रखिएगा, आप पानी बिल्कुल भी मत मिलाइएगा, और इसे आप दरदरा पीस लें। आप इसे बहुत ही ज्यादा फाइन पेस्ट मत बनाइएगा। इसमें जो वड़े होते हैं वो थोड़े दरदरे मटर के ही बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, कुछ इस तरीके से उसका टेक्सचर रहता है। अब हम मटर में मिला देंगे सारे सामान। तो पहले मैंने मिला दिया है उसमें प्याज। याद रखिएगा, प्याज को आप बहुत ही बारीक काटिएगा। उसके बाद आप उसमें मिला दीजिए बारीक कटे हुए अदरक और मिर्च। अगर आपको बहुत ज्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर उसमें डाल दीजिए आप बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया आप एकदम फ्रेश ही यूज करिएगा इसमें। और लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नमक। जी हाँ, यह नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, और सब चीज को आप अच्छे से मिक्स कर लें। तो जिन लोगों को मटर नहीं पसंद है, अगर आप उन लोगों को ये वड़े खिलाएंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हरे मटर के वड़े बने हुए हैं। तो अब बारी आती है इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करने की। तो आप हाथ में पहले लगा लीजिएगा थोड़ा सा तेल, ताकि ये आपके हाथ में चिपके ना, और फिर उसे कुछ इस तरीके से अच्छे से मैश कर लीजिए। तो वड़े आप अपने पसंद के कोई भी साइज और कोई भी शेप के बना सकते हैं। तो मैं इसे हाथों में लेके थोड़ा सा ऐसा प्रेस करके बना रही हूँ, जैसे हम आलू की टिकिया बनाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके का। और बिल्कुल इसमें ना तो मैंने बेसन डाला है, ना मैदा, ना कॉर्नफ्लोर, और ये देखिए कितने अच्छे शेप में ये वड़े बन गए हैं। और आप ऐसे ही 5 से 6 वड़े बनाकर एक प्लेट में रख लें। तो ये वड़ा सीखा है मैंने मेरी फ्रेंड सौम्या से, जो कि केरला से है। तो मेरा हमेशा उससे यही डिमांड रहता था कि वो जब भी ये वड़े बनाए वो मुझे जरूर दे। तो लॉकडाउन की वजह से मैं उससे मिल नहीं पा रही हूँ, तो मैंने उससे ही ये रेसिपी सीख ली। तो अब मैं बताती हूँ कि इसे फ्राई कैसे करना है। तो कढ़ाई में आप डालिएगा तेल, और गैस को आप रखिएगा मीडियम फ्लेम में। जब तेल गर्म हो जाए आप उसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखिएगा, अगर वो ऊपर की तरफ आ रहा है इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद आप उसमें जितने वड़े हमने रेडी करके रखे थे वो डाल दें। और हाँ, ये याद रखिएगा कि वड़े डालते ही आप इसे बिल्कुल भी टच मत करिएगा, नहीं तो ये वड़े तेल में टूट जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद ये देखिए वड़े एक साइड से तल कर अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो इसे आप हल्के हाथों से पलट लें। तो वड़े हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। सो थैंक यू सौम्या कि तुमने मुझे ये वड़े का रेसिपी बताया, क्योंकि वड़ों का टेस्ट बिल्कुल ही वैसा था जैसा तुम बनाती हो। तो वड़े जो है वो एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं, अब इसे हमें दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो वड़े अब खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप पहले के वड़े और अभी के वड़े में डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं। तो जब वड़े में से बुलबुले निकलने कम हो जाए वो ही उसका इंडिकेशन होता है कि ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो आप इसे निकाल दीजिए एक टिश्यू पेपर पे, ताकि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और वड़े कितने कुरकुरे बने हुए हैं, आ गया ना मुंह में पानी। तो अब मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। तो आप वड़ा हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।